गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में नई अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने UPPCL में JEE सिविल, ARO और कैंप असिस्टेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ETI में करा लिया था। उसके बाद उनको इंतजार था कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, और उनका रिजल्ट आ गया है, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। और कुछ यहाँ हम जानकारी देने वाले हैं जो जिनके रोल नंबर के आगे स्टार लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स हम देने वाले हैं इस वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और अब यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्युत सेवा आयोग ने आपकी जो है JEE सिविल वालों का ये लिस्ट डाला है, और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं प्रोविजनल रूप से उनकी ये लिस्ट है। और यहाँ पर दिया है तारांकित वालों के लिए कुछ निर्देश। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो यहाँ कैंडिडेट हैं स्टार वाले, एक यहाँ 3, 4 और 3, 7। ये 7 कैंडिडेट हैं, इनको विद्युत सेवा आयोग जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी जाके संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं इनकी लिस्ट जारी हो जाएगी और वो शक्ति भवन पहुंच जाएगी 1-2 दिन में। तो अभी ये मान के चलिए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हो सकता है कार्यालय बंद रहें तो आपको समय मिल जाए, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे आए नेक्स्ट, तो आप उस नेक्स्ट वर्किंग डेज में जा करके विद्युत सेवा आयोग अपना जो डॉक्यूमेंट में कमी है जिसकी वजह से आपका स्टार लगा है, चाहे वो आपका निवास प्रमाण पत्र हो और चाहे आपका जो है जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसकी वजह से आपके रोल नंबर के आगे स्टार लगा है, उस डॉक्यूमेंट को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप विद्युत सेवा आयोग जाके प्रोवाइड करा दीजिए जिससे कि अगला लिस्ट बहुत जल्द जारी हो जाए। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कट ऑफ कितना गया है वो भी आपको यहाँ दे रखा है, अनरिजर्व का 146.384 और EWS का 143.738, OBC का 144.750, SC का 130.769 और फिजिकली जो हैंडीकैप है उनका 120.75। इस तरह से इनका कट ऑफ गया है, और ये देख रहे होंगे 10 तारीख में ये लेटर जारी हुआ है, लेकिन जो है रात देर से अपलोड किया गया था इसलिए मैं थोड़ा इसे देख नहीं पाया। तो ये थी आज के लिए अपडेट, और इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और अगले नेक्स्ट जो लेटर जारी हुआ है समीक्षा अधिकारी यानी ARO का भी, इन्होंने DV रिजल्ट घोषित कर दिया है। यहाँ देख रहे हैं आपके ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका रोल नंबर दिया गया है। स्टार वालों के लिए सेम गाइडलाइन है जो मैंने पहले बताया था, इनकी एजुकेशन में या अन्य कोई प्रमाण पत्र में कहीं कमी है तो वो अपना प्रोवाइड करा दें विद्युत सेवा आयोग को जिससे कि आपका लिस्ट भी जल्द तैयार हो जाए। इनका कट ऑफ यहाँ 166 अनरिजर्व का, OBC का 162.25, SC का 156.5, ये कट ऑफ रहा है इनका। और यहाँ पर देखिए ये भी लेटर 10 तारीख में जारी किया गया है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए विद्युत सेवा आयोग ने जो कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो थी लिस्ट वो भी इन्होंने डाउनलोड, मैंने ये यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया पूरा आपका, कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रोल नंबर सेलेक्ट किए गए, इसमें जो स्टार वाले हैं उनको लिए वही गाइडलाइन है, अपना डॉक्यूमेंट विद्युत सेवा आयोग जाके जमा करा दें, अन्यथा का कुछ गैपिंग होती है फ्रेश कैंडिडेट की लिस्ट अलग चली जाएगी, फिर आपकी आने में 15-20 दिन लगभग कम से कम मान के चलिए इतना समय लग सकता है। तो अपना डॉक्यूमेंट जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी प्रोवाइड कराते हैं विभाग को। और ये इनका कट ऑफ गया है 129.5 अनरिजर्व का, EWS का 124.25 और OBC का 107.5 और ST के लिए यहाँ कुछ उन्होंने लिखा है, अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी अहर न होने के कारण नियमानुसार अनुसूचित जाति के अहर अभ्यर्थी से भरा गया है जिसका कट ऑफ अंक 121.5 है, और फिजिकली हैंडीकैप का 100.25 है, और यहाँ कोई भी अभ्यर्थी नहीं पाया गया इसमें। तो ये थी देखिए आज की अपडेट, इसमें मैंने आपको बताया तीनों का कट ऑफ किया गया है और स्टार वालों के लिए क्या गाइडलाइन है, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होने वाला है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।